गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला, गुरुग्राम की भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ सहित सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। और इसके अलावा इस तिरंगा यात्रा में जो गुरुग्राम वासी भी काफ़ी संख्या में मौजूद थे, और ये एक आलम सा बन चुका था कि चारों ओर मानो तिरंगा फहरा रहा हो। गुरुग्राम के जॉन हॉल से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा सदर बाजार से होती हुई और वापस जॉन हॉल तक गई। इस तिरंगा यात्रा में जहां लोग हाथों में तिरंगा लेकर एक अलग ही झलकियां पेश कर रहे थे, वहीं पूरे गुरुग्राम को ये भी संदेश दे रहे थे कि शहीदों के सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। खास बात यह है कि इस तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और उनका ये मानना था कि शहीदों के लिए कोई पार्टी या धर्म नहीं होता, बल्कि तिरंगा यात्रा जो कि शहीदों के सम्मान के लिए निकाली जाती है, उसमें किसी धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं आती है, बल्कि वहाँ पर बात आती है देश के मान और सम्मान की। गुरुग्राम के जॉन हॉल के बाद ये जो यात्रा थी बस अड्डे के पास पहुंची सदर बाजार में, इसका आलम ये था कि जो व्यापारी थे वहां पर सभी ने इस यात्रा का बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने न केवल इस तिरंगा यात्रा को देश के सम्मान की बात बताया, बल्कि उन्होंने जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है, उसके बारे में भी बताया कि ये अवार्ड अब खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चंद दिनों के अंदर भारत अपनी 75वीं सालगिरह के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। आज़ादी 47 के मिलने के उपरांत जिस देश के अंदर सुई भी नहीं बना करती थी, आज के दिन देश के अंदर न केवल न्यूक्लियर सबमरीन बन रही हैं, बड़ी बड़ी तोप बन रही हैं, आर्मामेंट्स ले रहे हैं, और अंतरिक्ष के अंदर अपने ही मुल्क के लिए हम दूसरे मुल्कों की भी सैटेलाइट भेजने लग रहे हैं। ये एडवांसमेंट हमारा पिछले 74 साल के अंदर देश ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ये मंशा है कि जब 75 साल पूरे हों तो हर एक गरीब के घर के ऊपर छत हो, उसके नल के अंदर पानी हो, और रोज़गार के लिए उसके लिए कोई व्यवस्था बने। इस चीज़ के लिए सारी सरकार, सारे पार्टी के कार्यकर्ता और मैं समझता हूँ देशवासी प्रयत्नशील हैं कि जब 75 साल हमारे मुल्क के आज़ादी के पूरे हो जाएंगे तो हमारा देश इस नई शताब्दी के अंदर एक बार फिर से अग्रसर होते हुए चोटी के ऊपर पहुंच जाएगा। ये लक्ष्य हमारा और आपका सभी का होना चाहिए। कल खेल पुरस्कार भी जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि खेल पुरस्कार का नाम मोदी जी ने ध्यानचंद के नाम पे रख दिया। कुल मिलाकर शहीदों के लिए निकाली गई ये तिरंगा यात्रा एक बार फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम में उन शहीद सैनिकों की और उन शहीदों की याद दिला गई जिन्होंने बॉर्डर पर अपना सब कुछ न्योछावर कर हमारे लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। खास बात यह है कि ये वो सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बल्कि देश की सुरक्षा की, आप लोगों की सुरक्षा की और हमारी सुरक्षा की। तो ऐसे में ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान के लिए ज़रूरी भी बनता है, और इस तिरंगा यात्रा पर राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।